Hello, Class-4th. How are you? All are fine. Okay, today we will start a new chapter in your book, Composite Mathematics. And chapter 12, Measures of Length, Mass and Capacity. देखिए, measurement के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो आप first class से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना? First, second, third, fourth में भी पढ़ रहे हो. तो देखिए, लेंथ का यूज करते हैं हम किसी भी चीज की लेंथ के लिए. मास यानी कि वेट, किसी भी चीज का वेट करना है. जिन चीजों की हम लेंथ नहीं ले सकते उनका हम वेट करते हैं. जस्ट लाइक पटैटोज, है ना? अब पटैटोज है, शुगर है, इनकी हम लेंथ तो ले नहीं सकते, तो उसके लिए हम मास का यूज करते हैं. लेंथ जैसे टेबल है, क्लोथ है, इन चीजों के मेजर के लिए हम लेंथ यूज करते हैं. और कैपेसिटी, जितने भी आपके आइटम्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जस्ट लाइक मिल्क, वाटर, मेडिसिन, ये सभी किस में आती है? कैपेसिटी में मेजर करने के लिए. तो देखिए, यहाँ पर आपकी बुक में कुछ मेजरिंग के लिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. देखिए क्या है यहाँ पर. क्लास थर्ड, इन क्लास थर्ड वी हैव लर्नड अबाउट द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ, मास एंड कैपेसिटी. जैसा कि मैम ने अभी बताया आपको, थर्ड क्लास में आप ये सभी चीजें सीख कर आए हैं. देयर आर सम अदर यूनिट्स ऑल्सो फॉर मेजरिंग दीज क्वांटिटीज. इन द चैप्टर वी शैल इंट्रोड्यूस दीज न्यू यूनिट्स एंड स्टडी द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग वन यूनिट इन टू अनदर. वी शैल बी यूजिंग सम कॉमन वर्ड्स फॉर डेफिनिंग दीज यूनिट्स. देखिए, थर्ड में हमने कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, मेजर करने के लिए किस चीज के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं. तो वही यह बात हुई है, अब हम नेक्स्ट क्लास में आ गए तो हमारी यूनिट्स जो है वो कुछ बढ़ जाएंगी, कुछ न्यू यूनिट्स आ जाएंगी. जैसे कि यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रही है ना, एक टेबल है. देखिए, यहाँ वर्ड्स में लिखा हुआ है और यहाँ पर मैथ्स यानी मीनिंग में लिखा हुआ है. किलोग्राम, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी एंड मिली. ठीक है, किलो मीन्स 1000 ग्राम्स, है ना? 1 किलो में 1 केजी है. ये देखिए 1000 से शो करते हैं, हेक्टो को 100 से, डेका को 10 से, डेसी को 1/10, सेंटीमीटर को 1/100 एंड मिलीमीटर को 1/1000 से शो करते हैं. द अबव सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कम टू बी नोन एज मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. तो देखिए, यहाँ पर आपको मेजर करने के लिए कुछ चीजें दी हैं. वी नो दैट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज मीटर. तो किसी भी चीज की लेंथ मेजर करने के लिए, जैसे टेबल है, क्लोथ है, इन सब चीजों के लिए हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं? मीटर. स्टैंडर्ड यूनिट मीटर. एंड किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर वी हैव. तो इन चीज के लिए देखिए, यहाँ पर कुछ हायर यूनिट है ये मीटर की. देखिए यहाँ पर जैसे कि दिया है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर हो गए, 1 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर हो गए, और 1 डेकामीटर इक्वल्स टू 10 मीटर्स हो गए, है ना? देखिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, ये देखिए. अब देखिए यहाँ पर 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर एंड 10 डेसीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर. इसको देखिए इस तरह से भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, अब आगे आइए. देखिए, ऑल द अबव 7 यूनिट्स फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. तो देखिए, यहां पर आपको जो अभी हमने 7 यूनिट्स पढ़ी थी, उन 7 यूनिट्स को सीक्वेंस में दिया है, हायर टू लोअर, यानी कि पहले सबसे बड़ी, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी, इस तरह हम आगे बढ़ेंगे. तो मेजरमेंट करने के लिए सबसे आपकी जो बड़ी यूनिट दी है वो है आपकी किलोमीटर, है ना? सबसे बड़ी यूनिट होती है. देन हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, मीटर, सॉरी यहां पर आपका ये आपका डेकामीटर है और ये आपका डेसीमीटर है, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, है ना? और उनकी वैल्यूज देखिए यहां पर ऑलरेडी लिखी हुई हैं. साथ ही साथ एक टेबल यहां पर भी है, 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर एंड 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. तो देखिए बेटा, आपको जब आप एक्सरसाइज करोगे ना, एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये यूनिट्स अच्छे से लर्न होनी चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए. तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको करना क्या है, आपको चैप्टर का नंबर, नेम प्रॉपर लिखते हुए इन चार्ट्स को और इनकी वैल्यूज को
अपनी मैथ्स की नोटबुक में प्रॉपर लिखना है और अच्छे से लर्न करना है, तब हम आपकी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ओके, बाय बाय.